जिस जगह पे आप आवाज आ रही है सबको, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जिस लीला स्थली पर आप बैठे हैं, इसको मान सरोवर बोलते हैं। आवाज आ रही है ना? तो ये मान सरोवर, इसका नाम कैसे पड़ा है, इसके पीछे क्या लीला है, संक्षेप में मैं बताऊंगी। ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को संक्षेप में बताऊंगी। जैसा मैंने आपको बताया है कि ब्रजभूमि पूरा प्रेम की भगवान की लीला स्थली है। पग पग पर यहाँ पे भगवान ने अनंत प्रेम की वर्षा की है हम जीवों के लाभ के। हम जीव उस प्रेम के रस में डूब सके, इसलिए भगवान ने हर लीला की है ताकि हम सीख सके कि हम उनसे कैसे प्यार करें। ऐसे मान सरोवर भी एक प्रेम का आदर्श है, प्रेम सिखाती है ये जगह कि हमें श्याम सुंदर से कैसे प्रेम करना चाहिए। ये मान सरोवर कैसे बना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रतिदिन वृंदावन में, ब्रज में रास होता है प्रतिदिन, आज भी दिव्य वृंदावन है। हम जो वृंदावन देख रहे हैं ये तो माइक है, ईंट पत्थर वाला। इसी वृंदावन के अंदर एक दिव्य वृंदावन छिपा है जहाँ आज भी हमारे प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम अपने समस्त भक्तों के साथ, परिकरों के साथ लीला करते हैं। ऐसी एक बात की बात है आज से 5000 साल पहले की, ठाकुर जी राधा रानी अपना समस्त परिकरों के साथ, सखियों के साथ रास कर रहे थे। तो अचानक राधा रानी किसी कारण से, अचानक मतलब भक्तों पर कृपा करने के लिए, गोपियों पर कृपा करने के लिए, अचानक वो रास में मान लेकर बैठ गई, रूठ गई, मतलब मान ले लिया और रूठ करके रास को छोड़ करके इसी जगह जहाँ पे ये मान सरोवर है, इसी जगह आकर के वो बैठ गई थी एकांत में अपने रास को छोड़ करके। आवाज आ रही है कि नहीं? तो माँ अपने रास, अब ये सोचेंगे कि राधा रानी क्यों रूठ जाती है, भगवान भी रूठ जाते हैं। देखिए राधा कृष्ण कभी भी आपस में रूठते नहीं है, लेकिन वो हम भक्तों को कोई ना कोई लीला देना चाहते हैं, गोपियों को, कि मैं रूठूंगी तो ठाकुर जी मुझे मनाएंगे, तो गोपियों को उस लीला का आनंद मिलेगा, उसमें सेवा मिलेगी, इसीलिए वो सब लीलाएं करते हैं ताकि उनके भक्तों को उस लीला में कोई ना कोई पात्र बन जाए, वो लोग कोई ना कोई उनको हमारी लीला में सेवा मिले, हमारी लीला से उनको आनंद मिले। जैसे राधा रानी रूठ जाएंगी तो फिर ठाकुर जी गोपियों के पास आएंगे, फिर राधा रानी को मनाओ, फिर गोपियां राधा रानी के पास जाएंगी कि राधा रानी मान जाओ, राधा रानी नहीं मानेंगी, तो ऐसे ही लीलाएं चलती है। उनका रूठना, मनाना, प्रेम करना, रास करना, नौका विहार करना, समस्त लीलाएं केवल हमारे को आनंद देने के। ऐसी राधा रानी एक बार रास में मान करके बैठ गई और रूठ गई तो यही आकर के वो बैठी थी। जैसी वो एकांत में आकर, अकेली आकर बैठी रात से, तो उनको श्याम सुंदर की याद आने लगी, क्योंकि वो एक पल भी ठाकुर जी राधा रानी के बिना, एक क्षण का करोड़वा हिस्सा भी हो उतना दूर भी नहीं रह सकते। ऐसी राधा रानी भी ठाकुर जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। ये रूठना मनाना तो केवल एक आनंद को बढ़ाने के लिए होता है, प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है। तो जैसी राधा रानी यहाँ पर आकर बैठी तो तुरंत राधा रानी यहाँ पर आकर श्याम सुंदर की याद आने लगी, इतनी याद आने लगी कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्हीं आंखों के आंसुओं से ये सरोवर, ये राधा रानी के आंसुओं से, उनके प्रेम के, विरह के आंसुओं का बना हुआ ये सरोवर है जिसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता। तब से ही ऐसे ही है, यहीं पर राधा रानी रो रो करके श्याम सुंदर को याद की और यहीं पर से इतना रोई कि सरोवर बन गया। ये भी क्यों रूठी? इसलिए रूठी थी ताकि ये सरोवर बने और आने वाले जीवों को मेरे सरोवर में आकर के स्नान करने से, इसका जलपान करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और हमारे प्रेम की वृद्धि हो। समस्त लीलाएं भगवान की केवल हमारे कल्याण के लिए। अगर राधा रानी ना आती यहाँ और वो रूठती नहीं, रोती नहीं, तो ये सरोवर बनता कैसे? और अगर ये सरोवर नहीं बनता तो आज हम लोग इस सरोवर को देख करके हम लोग आनंद कैसे लेते, उसके प्रेम की लीला को जानते कैसे? तो इस समस्त लीलाएं केवल हम लोगों को राधा रानी अपना अनुभव देना चाहती है, ठाकुर जी हमारे को अपनी याद देना चाहते हैं।
ताकि हम यहाँ पर आए और उनका चिंतन करें, उनको याद करें, ताकि हम उनको याद करने से हमारा मन शुद्ध हो। तो यादा रानी के आंसुओं से ये सरोवर बना है। और जब वो रो रही थी इतना, ठाकुर जी को बहुत कष्ट हो गया, तो दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी राधा रानी को ढूंढते ढूंढते यहीं पर आए। और जब आए तो राधा रानी को मनाने लगे, और कैसे मनाए थे, अपनी मुरली को और अपने मुकुट को राधा रानी के चरणों में रख दिया, चरणों में रख दिया, और रो रो करके राधा रानी से प्रार्थना करने लगे कि प्यारी जी मान जाओ, मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, आपके चरणों से एक क्षण के लिए भी मैं दूर नहीं रह सकता, मान जाओ करके इसी स्थान पर, इसी मानसरोवर में, यहाँ पर मंदिर भी है जहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी को मनाया था, और यहीं पर बैठ करके वो लीला कर, ये वही जगह है मानसरोवर। प्रेम का मतलब अद्भुत एक सरोवर है ये, राधा रानी के अश्रुओं का सरोवर है, और यही अश्रु हमें चाहिए। राधा रानी हमें सिखा रही है कि कैसे श्याम सुंदर से मिलने के लिए रोना है, कैसे हमें व्याकुल होना है कि बस रहा ना जाए, प्यारे श्याम सुंदर से मिले बिना रहा ना जाए, ऐसा प्रेम हमें करना है। आंसू बहाओ, बस रो रो करके उनको पुकारो, बस वो आ जाएंगे। जैसे राधा रानी रोए श्याम सुंदर की याद में, दौड़ते आए ठाकुर जी, ऐसी हमें भी सिखाती है राधा रानी कि तुम भी श्याम सुंदर के लिए ऐसे रहो, बस श्याम सुंदर तुम्हारे लिए दौड़ कर आएंगे तुम्हारे पास, और तुम्हारे को गले लगा देंगे, अपना प्रेम दे देंगे। तो इसी भाव से ये सारा मानसरोवर बना है, जिसके पीछे मैंने संक्षेप में आप लोगों को लीला बताई है। तो बोलिए राधा रानी की जय।